हेलो एवरीवन। सो गाइस आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने जो फिल्म्स है वो क्या हमारे यूथ को हमारे समाज को क्या वो भटका रही है, क्या फिल्म्स हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। सो वही हम बात करेंगे आज। सो पहला जो बात है कि फिल्म्स जो है नहीं हमारे लिए अच्छा फायदेमंद है, हमें मोटिवेट कर रही है, हमें एक अच्छा मैसेज दे रही है। सो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए गाइस एक फिल्म में सिर्फ एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्ट्रेस ही नहीं होती है, उसके पीछे बैकग्राउंड डांसर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, कैमरामैन लाइटमैन वर्कर शेफ बहुत सारे लोग काम करते हैं एक मूवी में। ऑलमोस्ट 100 से लेके 200 लोग काम करते हैं। सो डोंट यू थिंक दैट मूवीज आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर सोसाइटी, मूवीज आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू दोस पीपल हु डू नॉट हैव जॉब। सो एम्प्लॉयमेंट रोजगार दे रही है मूवी जिनके पास जॉब नहीं है, खास करके कैमरामैन है, लाइटमैन है जो खाना पकाते हैं, शेफ है, बैकग्राउंड डांसर है, इन सभी को ये एम्प्लॉयमेंट दे रही है, रोजगार दे रही है। 200 लोग 300 लोग एक मूवी में काम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि 200 लोग को रोजगार दे रही है एक मूवी, ये कितनी बढ़िया है? आज इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है हमारे शहर में, हमारे इंडिया में, तो मूवीज उनको रोजगार देने का काम कर रहा है, तो ये बढ़िया है हमारे सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है गाइस, जो मूवीज है उनकी वजह से जो टैक्स हमें आता है, सरकार को मूवीज जो है टैक्स पे करती है। सो आपको नहीं लगता हमारे इंडिया में साल भर में 50 से 60 मूवीज तो एक साल में बनी जाती है। सो हर एक मूवी टैक्स पे करता है, समझ में आ रही बात को? सिर्फ मूवीज ही नहीं, एक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर हो गए, इंडिविजुअल पर्सन, कैमरामैन लाइटमैन बैकग्राउंड डांसर म्यूजिशियन सिंगर, हर एक कोई टैक्स पे कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। हर एक सामान खरीद रहा है, 5 रुपए का लेस भी आप खरीद रहे हो उस पर भी टैक्स इंक्लूड है। तो डोंट यू थिंक दैट एवरीवन इज अ टैक्स पेयर एंड दे आर हेल्पिंग आवर स्टेट, दे आर हेल्पिंग आवर कंट्री टू ग्रो एंड टू प्रोमोट द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। सो दैट इज गुड फॉर आवर कंट्री, इट मींस दैट दे आर पेइंग टैक्सेस एंड दैट विल हेल्प अ कंट्री टू डेवलप। ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे स्टेट के लिए अच्छा है कि वो टैक्स दे रही है, समझ में आ रही बात को? और मुंबई को माना जाता है बॉलीवुड का हब, वहां सारे बॉलीवुड है, वहां पे फिल्म सिटी है, सारे एक्टर एक्ट्रेस ऑलमोस्ट वही रहते हैं, और बोला जाता है कि मुंबई जो है इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। आप लोग जानते ही है कि अक्षय कुमार एक टाइम पे वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे इंडिया में, ये बात सही है? तो समझ नहीं आ रहा कितना अच्छा हमारी कंट्री को हेल्प कर रहे हैं जीडीपी प्रमोट करने के लिए, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए अच्छा है, समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट जो है गाइस, देखिए मूवीज में क्या होता है, स्टोरी ही दिखाया जाता है, मान के चलिए वही सेम स्टोरी बुक में भी रहता है। सो आप अगर एक बुक को पढ़ रहे हो तो ऑलमोस्ट 10 दिन, 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन लगता ही है पढ़ने के लिए उस बुक में, हमको टाइम देना पड़ता है बुक को पढ़ने के लिए, हमको टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। और यहाँ पे ये भी चांस है कि जो हम पढ़ते हैं उसमें से 40% 50% 60% 70% ही याद रहता है, पूरा नहीं याद रहता, हम भूल जाते हैं स्टोरी बुक पढ़ने से, समझ में आ रही बात को? बट आप अगर मूवी देखते हो उसमें भी स्टोरी दिखाई जाती है, आप हर एक सीन, आप हर एक लाइन याद रखते हो, वहां पे 5% या 3% चांस रहता है कि आप मूवीज का एक सीन भूल सकते हो। तो आपको नहीं लगता है कि एक स्टोरी, अगर एक स्टोरी पढ़ना है तो मूवीज एक अच्छा रोल प्ले करता है, और एक समाज में, एक कंट्री में, अगर आपको एक सोसाइटी में अगर आपको एक मैसेज फैलाना है, लेसन फैलाना है, तो मूवीज हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बुक छापोगे तो उतने लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, बट मूवीज जरूर जाके वो देखते हैं। मैं एग्जांपल हूं हाफ गर्लफ्रेंड का, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत ने लिखा था, बुक तो पढ़ी है, कितने लोग ने बुक पढ़ा? बहुत कम ही लोग ने पढ़ा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बट वो मूवी कितनी चली, मूवी में कितने लोग ने देखा उस मूवी को, तो यहां पे बात ये है, इंपैक्ट ज्यादा करता है। और मैं बता दूं गाइस कि मूवीज जो है वो एक मैसेज हमारे यूथ को, हमारे सोसाइटी पे एक अच्छा मैसेज देने के लिए काम करता है। कैसे, मैं बता देता हूं। देखिए शेरशाह मूवी आपने देखा था, मैंने भी देखा था शेरशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा का था, उसमें विक्रम बत्रा का दिखाया गया था जो वॉर हुआ था उसमें, तो वो मूवी जो है हमारे यूथ को मोटिवेट किया, मैसेज दिया कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनेमी को। और मैं बता दूं गाइस वो मूवी मेरे को भी इंस्पायर किया था, जब मैं बता दूं जब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी का, तो वो मूवी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था, मेरे को देख के गूज बम्स आ गया था, और उस मूवी से मेरे को और मोटिवेट हुआ कि मैं अपनी कंट्री को सर्व करूंगा, अपने बीएसएफ में ज्वाइन करूंगा। सो ये जो मूवी है बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करती है, अगर आपको यूथ को इंडियन आर्मी में भर्ती करवाना है, अगर आपको यूथ में एक मैसेज फैलाना है सोसाइटी में, तो मूवी बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत सारे एग्जांपल है, अरे जमीन पर एक अच्छा मैसेज दिया गया हमारे पेरेंट्स को, कितनी अच्छी मूवी, थ्री इडियट्स हमारे स्टूडेंट्स को कितना अच्छा मैसेज दिया गया, कि सिर्फ रटो रटो नहीं, समझने के लिए पढ़ो, कितना अच्छा अच्छा मैसेज दी गई। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं,
समझ में बात को। यस गाइस, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको एक स्टोरी को पढ़ना है, समझना है, तो आपके पास दो मीडियम है, या तो आप बुक पढ़ सकते हैं या तो आप मूवी देख सकते हैं। तो बुक का कॉस्ट आता है 200 300 400 हार्डली इतना में एक बुक आ जाता है आपको स्टोरी पढ़ने के लिए। बट जो फिल्म्स है, फिल्म देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 500,000 रुपए खर्च करना ही पड़ता है। एक टिकट का 200-300 रुपए नॉर्मल एवरेज दाम होता ही है, और मूवीज तो देखते ही हो, और स्नैक्स के लिए भी 200-300 और, मतलब कि 500 से लेके 600 रुपए आप खर्च करते ही हो एक मूवी पे। बट वो अच्छा ही है, क्यों? क्योंकि आप एक मूवी के माध्यम से आप एंटरटेनमेंट भी ले रहे हो। आप जान रहे हो गाइस आज का कैसा जमाना है, हर एक को टेंशन है, हर एक को प्रेशर है, हर एक को एंजाइटी है, सब लोग एक डिप्रेशन से, प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो मूवीज एक ऐसा मीडियम है, जब आप जाते हो थिएटर में तो बड़ा ही आपको अच्छा महसूस होता है। सारा आप टेंशन भूल जाते हो जब एंट्री करते हो ना गेट पे, कोई भी थिएटर हॉल के गेट पे, तो सब भूल जाते हो, अरे छोड़ो 4 दिन की जिंदगी, टेंशन छोड़ो और मूवी को एंजॉय करते हैं। तो आप पहला बात क्या है कि एंटरटेनमेंट देखते हो, एंटरटेन होते हो, और दूसरा चीज आप लेसन देखते हो और उस चीज से एक स्टोरी आपको मिलता सीखने को, आप कुछ समझते हो। तो डोंट यू थिंक दैट मूवीज जो है एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, हम लोग को एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज और एक स्टोरी भी दिखा रहा है, समझ में। अब बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो मूवीज है वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इंस्पायर नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, क्या कबीर सिंह हो गए, KGF हो गए, और भी बहुत सारे वल्गर मूवीज हैं। अब इसमें बताइए, कबीर सिंह में लोगों ने तो इसमें पॉजिटिविटी थी, ऐसे नहीं है कबीर सिंह में पॉजिटिविटी नहीं था। पहला बात तो वो पूरा कॉलेज का टॉपर था कबीर सिंह, बेस्ट सर्जन था, और तीसरा चीज वो फुटबॉल टीम का कैप्टन था, बहुत अच्छा फुटबॉलर था, ये पॉजिटिविटी थी। बट लोगों ने पॉजिटिविटी नहीं देखा, लोगों ने निगेटिविटी देखा। उसमें जो उसका दोस्त था कबीर सिंह का, वो कितना अच्छा था, उसको सपोर्ट किया था, लास्ट तक उसके साथ था। ये सब होना चाहिए कि दोस्ती ऐसे निभाना चाहिए, बट लोगों ने निगेटिविटी अडॉप्ट किया, क्या कि मेरे को बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लेना है, एक कबीर सिंह का चश्मा ले लेना है, बुलेट ले लेना है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, ये सब लोगों ने अडॉप्ट किया। गाइस जानते हो आजकल का हमारा जो यूथ है वो पॉजिटिविटी को अडॉप्ट नहीं करना चाहता है, सिर्फ निगेटिविटी को अडॉप्ट करना चाहता है। तो हमको उसी के हिसाब से मूवी बनाना चाहिए। ये सब चीज, ये सब तो दिखाया, लोगों पे बड़ा ही असर पड़ा था, गंदा असर पड़ा था। मैं रियली बता दूं, आप तो सब जान रहे हो, फैक्ट है कि लोगों ने क्या क्या स्टार्ट कर दिया था, स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना, ये सब स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्या हमारे यूथ को भटका रही है, हमारे यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये सही नहीं है। और एग्जांपल मैं तो ये अल्लू अर्जुन का जो मूवी आया था पुष्पा, वो लोगों को तो बहुत पसंद आया, बट उसमें दिखाया गया स्मगलिंग कैसे किया जाता है। आपने एक केस सुना होगा कर्नाटका में कि यही कहीं साउथ साइड में केस आया था, एक आदमी था उसने पुष्पा का पूरा स्टाइल कॉपी किया स्मगलिंग करने के लिए। तो ये सब क्या है, हमारे जो सोसाइटी को, हमारे लोगों को क्या एक सॉल्यूशन दे रहा है ना, एक आइडिया दे रहा है कि ऐसे चोरी करना चाहिए, ऐसे स्मगलिंग करना चाहिए, ऐसे गलत काम करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं ना है। बात यहां पे ये है। और दूसरी बात गाइज कि हमारा जो बॉलीवुड है वो हमारे कल्चर को भूलता चला जा रहा है, हमारे कल्चर को वो भूलता चला रहा जा रहा है। वेस्टर्न ड्रेस को सिर्फ फॉलो कर रहा है, जहां भी जाता है सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस को सब पहन के जाते हैं, हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट ही नहीं कर रहा। वही आप साउथ इंडस्ट्री को देखिए, वो लोग जब ऑस्कर के लिए गए थे हमारे साउथ की इंडस्ट्री के, उन लोगों ने इंडियन ड्रेस पहन के गए थे, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया था वहां पे भी। तो ये हो रहा है हमारे, क्या है हमारे सोसाइटी पे। और जो एक्टर एक्ट्रेस है हमारे यूथ, उन्हीं को फॉलो करते हैं, देख अरे ये हीरो ऐसे पहन रहा है, ये हीरोइन ऐसे पहन रही, हमको भी ऐसे पहनना चाहिए, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं ना उनको। तो ये गलत बात है ना कि हमारे इंडियन कल्चर को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, समझ में ही बात को। होप करता हूं गाइस कि आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।